दोस्तों मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हैं प्लम्बर ऑफिस साइड से। देखिए आज हमने जो वर्किंग किया, मेरे पास कुछ वीडियो नहीं था तो आज मैंने आपके लिए मैंने जो आज काम किया प्लास्टिक के पीवीटी जो नल आते हैं उसको कैसा लगाया। ये सुप्रीम ब्रांड के नल है, ये बेसिन लगाया मैंने इधर और ये सुप्रीम का नल लगा दिया। इस तरह से थोड़ा नल आगे बढ़ा दिया, एडजस्टमेंट निपल की मदद से थोड़ा आगे बढ़ा दिया। इस तरह से ये बेसिन लगा दी, फिर और ये एक नल और बेसिन लगा दी। ये लेबर के लिए है, यहाँ पर यूज है थ्रो वाला बाथरूम है इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये वन पीस लगा दी, ये फोकोशाइट 2-in-1 लगा दिया मैंने। यहाँ पे एंगल को की मदद से इसमें कनेक्शन दे दिया पीवीसी कनेक्शन के जरिए से। यहाँ पे मैंने ये वन पीस लगा दी। चलते हैं नेक्स्ट बाथरूम में। नेक्स्ट बाथरूम में एज अबाउट सेम, इसमें भी वही है, वन पीस लगी हुई है और एंगल को की मदद से इसमें पीवीसी कनेक्शन के जरिए से इसमें पाइप में कनेक्शन दे रखा है हमने फ्लश टैंक में, जो इनका इनबिल्ट फ्लश टैंक है। यहाँ ये 2-in-1 और एक अल्फ अगर शेड लगा देगा जिसको हम देसी भाषा में हैंड शोर बोलते हैं, कहाँ काम में आता है वो सब जानते हैं आप। नेक्स्ट इधर ये उड़ीसा पॉन है, इसमें एक नल ले रखा है, वहाँ पे सामने फ्लश कॉक लगेगा, ये WC है। चलते हैं दूसरे बाथरूम में, उसी तरह से लेबर क्वार्टर में दूसरे में। नेक्स्ट यह आया हम दूसरे बाथरूम में, यहाँ पर हमने लगाया है 2 बेसिन लगी हुई एज अबव सेम, ये दोनों बेसिन बस बस में है ये देखिए। और यहाँ पे नीचे हमने डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है पाइप का, क्योंकि रिक्वायरमेंट बॉटल टब के लिए था लेकिन उन्होंने कैंसिल करवा दिया, बॉटल टब नहीं लगाया हमने। और यहाँ पे यूरिनल लगेंगे, यूरिनल का एंगल कॉक दे रखा है क्योंकि यहाँ पे पॉपअप नहीं देना था इसलिए यूरिनल लगा, ये एंगल कॉक दे रखा है। ये यूरिनल अभी तक आया नहीं तो आने के बाद लग जाएगा, उसका वीडियो बनाऊँगा मैं। इधर भी एक यूरिनल है, इधर भी यूरिनल है, इधर भी यूरिनल है। यहाँ पर ये वन पीस लगी हुई है, यहाँ एक 2-in-1 लगा हुआ है, कल्फ अगर सेट लगा हुआ है, ये पीवीसी कनेक्शन की मदद से प्लस टैंक में ये कनेक्शन दे रखा है। ये वर्क पीस लगी हुई है, नीचे हमने सिलिकॉन से इसको पूरा टाइट कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट बाथरूम में, एज अबव सेम, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, वन पीस लगी हुई है और यहाँ पे 2-in-1 नहीं आया अभी तक इसलिए नहीं लगाया। यहाँ पे वन पीस लगी हुई है, यहाँ पे 2-in-1 नहीं आया तो हमने सिर्फ अल्फ अगर सेट जो हैंड शॉवर है वही लगा के छोड़ दिया है। और पीवीसी कनेक्शन पाइप और एंगल को की मदद से इसमें मैंने कनेक्शन दे रखा है। अब चलते हैं आगे, ये 4 इधर यूरिनल है और 2 सामने भी यूरिनल है, एज ए बहुत सेम कंडीशन में यहाँ पे दे रखा हमने इस तरह से, ये पाइप के कनेक्शन दे रखे हैं। और अब इसमें से दोनों यूरिनल में कनेक्शन जाएंगे और नीचे जो पाइप है उसमें बॉटल टब लगाने के लिए ना बोल रहे तो यहाँ पर दाई पाइप दे के भी हम कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा काम हो गया आज का, ये वर्किंग था। अब चलते हैं वो बाथरूम में, ये आए हम लोग तीसरे बाथरूम में। यहाँ पे ये कॉर्नर बेसिन लगेगा, ये कॉर्नर बेसिन की एंगल को दे रखा है। यहाँ पे 2 नल है, एक ठंडा और गर्म, दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे 2 पॉइंट है गीजर के, जिसमें एक इनलेट एक आउटलेट है। यहाँ से गीजर का पानी, यहाँ गीजर लगेगा, इसमें से ये गीजर का पानी जाएगा, उसमें से रिटर्न इसमें से होकर यहाँ ये नल में, ये वाले नल में गर्म पानी आएगा, ये वाले में ठंडे पानी आएगा। दोनों नल लगा दिए हमने, इस तरह से हमने आज का ये दिन भर का काम रखा मेरा। दोस्तों कैसा लगा हमारा काम? ये कंपनी का काम है इसलिए यहाँ पे बजट के हिसाब से काम किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लास्टिक के नल लगाए क्योंकि लेबर क्वार्टर्स के लिए यूज एंड थ्रो है, बार बार तोड़ेंगे, यूज़ करेंगे, चेंज करेंगे, इसलिए हमने ये डाला है। अगर हम यहाँ पे ब्रांड के नल डालते तो शायद बहुत जल्दी खत्म थे। ये भी सुप्रीम की ही है, वैसे ब्रांड ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सस्ता वाला, ठीक है। ये कंपनी क्वार्टर है, ये कंपनी लेबर रूम है, यहाँ पे भी ये लेबर रूम है और ये पूरा मुकम्मल फिटिंग हमने यहाँ कर दिया, बाकी का काम यहाँ पे बाकी है क्योंकि अभी तक सामान नहीं आया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाया हमने आज के काम के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।